हमेशा जोश और जुनून से सराबोर रहने वाली युवा पीढ़ी ही देश का भविष्य है। देश की युवा शक्ति ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। हर कदम कुछ नया कर गुजरने की चाह रखना, नई नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना और इच्छा शक्ति ऐसी कि किसी भी काम को करने की ठान ले तो लाख तरह की रुकावटें भी उसे बदल ना पाए। आज की युवा पीढ़ी अपने हौसले और जज्बे से समाज में फैली सारी बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंक सकने की चाह रखती है। किसी भी देश की युवा पीढ़ी उस देश की रीढ़ की हड्डी होती है। आज का हमारा ये कार्यक्रम न केवल युवा पीढ़ी बल्कि बहुत ही कम उम्र की युवा महिला पर आधारित है। नोएडा में रहने वाली इस लड़की ने एक ऐसा कदम उठाया जिसे उठाने के लिए बड़ी उम्र के लोगों में भी इसका ख्याल नहीं आया होगा। जिस उम्र में मौज मस्ती और घूमना फिरना सबकी ख्वाहिश होती है, उस उम्र में तरुणिमा ने खुद के लिए ही नहीं बल्कि बेजुबान जानवरों की सहायता का बीड़ा उठाया। बचपन में तो बस ऐसे ही कुत्तों से खेलना, उनको खाना खिलाना, पर बड़े होके मुझे ऐसा लगा कि बहुत लोग हैं जो इनके साथ बहुत बुरी तरीके से व्यवहार करते हैं। और क्योंकि मैं इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं नहीं देख सकती कि कोई इन्हें चोट पहुँचाए, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इससे बेहतर कि मैं किसी के लिए इंतज़ार करूँ कि कोई और उनको बचाने के लिए कदम उठाएगा। मैं सोचा क्यों ना मैं ही इनकी मदद कर दूं। बेजुबान जानवरों के साथ खेलना, उनके दर्द को अपना समझना, तरुणिमा का यही शौक बचपन से था। जानवरों से प्यार और लगाव का सिलसिला करीब 20 साल पहले शुरू हुआ। इन्होंने इसके साथ साथ बचपन से ही हर मुकाम को हासिल किया। परिवार और दोस्तों के साथ घुलमिल के रहना और अपनी सभ्यता को भी उन्होंने ध्यान में रखकर उसे बखूबी निभाया है। नाजों से पली बड़ी, बचपन से ही सभी की लाडली रहने वाली तरुणिमा ऐसा भी कोई काम करेंगी उन्होंने कभी नहीं सोचा था। स्कूल कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों जैसे नुक्कड़ नाटक, जूडो कराटे आदि प्रतियोगिता में भी तरुणिमा की बराबरी की भागीदारी रही है। आज के दौर में पढ़ाई के साथ साथ दूसरे काम करने के लिए भी युवा पीढ़ी 10 बार सोचती है, मगर इन्होंने सिर्फ सोचा ही नहीं बल्कि इसे कर भी दिखाया। मैंने लॉ करने का फैसला इसलिए लिया था कि मुझे लॉयर नहीं बनना, लेकिन मुझे हाँ लोगों की मदद करनी है या उन ऐसे लोगों की मदद करनी है जो अपनी मदद खुद नहीं कर सकते। तो मैंने ये सोचा था कि लॉ करके एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल आ जाता है आपके हाथ में, जिसका आप अगर अच्छे से यूज़ करना चाहें तो आप अपनी मदद और दूसरों की मदद करने के लिए यूज़ कर सकते। एमिटी में वकालत की पढ़ाई करने के साथ साथ SPCA नाम के एक शेल्टर से जुड़कर इन्होंने बेजुबान जानवरों का उपचार करना शुरू किया। साथ ही इनके खाने पीने का भी खास ख्याल रख रही हैं। आज हमें ऐसे गिने चुने ही युवा मिलेंगे जो भौतिकतावाद की ओर झुकते हुए भी अपने जीवन मूल्यों का त्याग नहीं करते। शायद तरुणिमा हमारे लिए ऐसा ही एक उदाहरण है। इनके इस काम में इनकी माँ एक अच्छे दोस्त की तरह हर वक्त इनके साथ खड़ी रही।
तो ये जितने भी हमारे घर के आसपास जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं ना, तो उनके पप्स लेकर के आ जाती थी। बहुत छोटी थी, 1.5-2 साल की थी तब, लेकर के आती थी खेलना। शुरू से बचपन से ही इसको था, एनिमल्स के साथ एनिमल लवर शुरू से रही है, लेकिन हाँ पर्टिकुलरली उसमें डॉग लवर मैं ज़्यादा हूँ। जानवरों की मदद के साथ साथ तरुणिमा ने किरण बेदी के एनजीओ से जुड़कर बहुत से गरीब लोगों की जिंदगी में भी रोशनी भरी। इनके इस काम में इनकी माँ एक अच्छे दोस्त की तरह हर वक्त इनके साथ खड़ी रही। ये जितने भी हमारे घर के आसपास जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं ना, तो उनके पप्स लेकर के आ जाती थी। बहुत छोटी थी, 1.5-2 साल की थी तब, लेकर के आती थी खेलना। शुरू से बचपन से ही इसको था, एनिमल्स के साथ एनिमल लवर शुरू से रही है, लेकिन हाँ पर्टिकुलरली उसमें डॉग लवर मैं ज़्यादा हूँ। बचपन में बच्चे जहाँ जानवरों से डरते हैं, वही तरुणिमा को बचपन से ही जानवरों से प्यार था। लेकिन जब इन्होंने जानवरों के दर्द को महसूस किया, तो अपने निजी जिंदगी से वक्त निकालकर इनकी देखभाल करना भी शुरू कर दिया और कुछ इस तरह का काम शुरू करने की ठानी, जिससे इन बेसहारा जानवरों को सहारा मिल सके। इस काम को करने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमने जो कुछ भी किया वो सब हमने, जो भी वेस्ट का सामान होता है वो सब इकट्ठा करके किया, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, तो हमारे पास और कोई चारा नहीं था कि हम कोई और चीज़ खरीदते। तो इसलिए हमारे पास जितने भी जो भी वेस्ट का सामान रखा था, गत्ते थे, शैम्पू की बॉटल्स थी, हमने वो सब इकट्ठा करके सामान बनाया। यूं तो बचपन में बच्चों की आंखों में ढेरों सपने जन्म लेते हैं, जबकि उन्हें इसका मतलब भी नहीं पता होता, मगर फिर भी वो वकील, डॉक्टर, अध्यापक बनने की इच्छा जगाते हैं। लेकिन वही तरुणिमा ने इन सब से अलग सामाजिक कार्यों में अपना रुझान दिखाया। तो जब इसको थोड़ी समझ आई 7th-8th में, तो हमेशा से था मेरे को एनजीओ खोलना है, अपना एनजीओ मेरे को बनाना है। अपना एनजीओ बना के हम लोग पूछते थे क्या करना है, तो एनजीओ बनाना है जिसमें या तो मैं पुअर लोगों के लिए काम करूँगी या मैं एनिमल्स के लिए काम करूँगी। शुरू में एप्रीहेंशन था, बहुत ज़्यादा था, क्योंकि 700-800 कुत्तों के बीच और जानवरों के बीच में थोड़ा सा मेरे को था, और एक कुत्ते ने इसको फर्स्ट या सेकेंड विजिट में ही काट लिया। तो नेचुरली बीइंग अ पेरेंट आप बहुत वरीड हो जाते हो अपने बच्चे के लिए, हालांकि उसे प्रॉपर केयर लिया गया और एंटी रेबीज़ उसको शॉट्स लगे वो सब कुछ था, लेकिन वो उसे डरी नहीं। ये नहीं हुआ कि मैं कुत्ते ने काटा या वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, चोट लगी हुई कुत्ते हैं, और वो ना बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, मतलब जल्दी से वो होता है ना, कोई कुछ लोगों को बहुत इमोशनल हो जाते हैं, तो उसके बावजूद अगर वो SPCA में काम कर सकती है, तो मेरे लिए तो बहुत आश्चर्य की बात है कि कर लेती है कुत्तों के लिए। तरुणिमा बचपन से ही गरीबों और जानवरों के लिए कुछ करना चाहती थी। कहा जाता है कि बच्चों को दिशा दिखाने वाले उनके घर वाले होते हैं। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही है। ये बचपन से ही अपने घर वालों के साथ आश्रम, अनाथालय जैसी जगहों पर जाया करती थी और वहां रहने वाले लोगों के दर्द को समझकर उनका हमदर्द बनने की कोशिश करती थी। तरुणिमा बड़े होकर भी अपने बचपन के सपने को नहीं भूली। इसी सपने को लेकर इन्होंने वकालत करने की सोची और आज भी अपने मूल कर्तव्यों पर चलकर इन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई हैं। मैं सबसे पहले घर में तो हाँ, जो बाहर स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको खाना देना ये सब तो हमेशा से करते ही थे, लेकिन एक्चुअली NGOs के साथ जुड़ना अगर कहें तो पीपल फॉर एनिमल्स एक NGO है जो कि मेनका गांधी मैम का NGO है, तो मैंने वहाँ पे वॉलंटियर करना शुरू किया। वहाँ से मुझे और आइडिया मिला कि लोग कितना काम कर रहे हैं जानवरों के लिए। माँ के साथ पिता ने भी बखूबी बेटी के कदम को सराहा। पहले तो शायद ये इस फैसले को लेकर डर गए, मगर बेटी की हिम्मत को देखकर ये भी तरुणिमा को पीछे खींचने के फैसले से मुकर गए
और अब इन्हें हिम्मत देकर खुद भी इस काम में इन्हें आगे बढ़ाने की सोच रखते हैं। तरुणिमा के बारे में यही बताऊंगा कि इसको काफ़ी प्यार है एनिमल्स से, और हमारे पास भी थे एनिमल्स, पहले भी था डॉग मेरे पास, ये दोबारा मैंने अडॉप्ट किया है इसको, स्ट्रीट डॉग को ही अडॉप्ट किया है, तो इसको काफ़ी ज़्यादा एनिमल से प्यार है। और तरुणिमा ने काफ़ी अच्छा काम किया, पीछे एग्जीबिशन लगाई है, मैं जो इसने स्टॉल लगाई है, अपना सारा कुछ डोनेशन भी लिया है, और काफ़ी अवेयरनेस भी फैली है उसमें, तो ये बहुत अच्छा काम हुआ, काफ़ी लोग अवेयर हो गए हैं इसके बारे में। देखा साथ साथ हर एक को ही काम करना चाहिए, स्टडी के साथ ये एक छोटा सा काम है जो सोशल काम होते हैं, एक घंटा लगा दीजिए अगर एक हफ्ते में आप, तो काफ़ी कुछ सोसाइटी में फ़र्क पड़ सकता है इन चीज़ों से। हाँ, शुरू में इसने उठाया तो मुझे भी बड़ा अजीब लगा, मैंने कहा पहले अपने घर में जो है उसका तो केयर करो पूरा, बाहर के तो बाद में। मैं भी गया एक बार SPCA, तो मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगा बीच में, काफ़ी मुझे अजीब वो भी प्रॉब्लम आई कि इसको एक डॉग ने काट भी लिया, इंजेक्शंस लगे, तो मुझे यही लगता था कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, तुम वहाँ जा रही हो और ये होगा वो होगा, लेकिन अब थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन है कि हाँ ठीक है, जो डॉग्स हैं थोड़ा टाइम लेते हैं इंटरेक्ट होने में, तो जो वहाँ भी डॉग्स हैं वो भी अब इससे काफ़ी लव करने लगे हैं, तो अब तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। तरुणिमा बहुत ही शांत स्वभाव की है, इनका मानना है कि बेजुबान जानवर का प्यार भी हर किसी को इतनी आसानी से नहीं मिलता, किसी के दर्द को समझने के लिए उसके शब्द ही नहीं उसे भी समझना बेहद जरूरी है। और ये हमारी तरुणिमा जी हैं, मुझे गर्व होता है इन पर, इतनी कम एज में इतने अच्छे से गाय भैंसों की और डॉगियों की बहुत अच्छे से सेवा करती हैं यार। नाम तो हमने पहले ही सुना था फर्स्ट ईयर में कि सेलिब्रिटी टाइप तरुणिमा वाजपेयी, तरुणिमा वाजपेयी है कोई। मेरा मानना यही है कि सिर्फ कुत्ते नहीं हैं जिनसे हम प्यार कर सकते हैं, गाय भैंस ये सब बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार देने जानवरों से ज़्यादा प्यार शायद इंसान भी नहीं दे सकते। तरुणिमा के छोटे भाई का मानना है कि इनकी बहन एक अच्छे काम से जुड़ी है, जिनमें ये भी तरुणिमा को सपोर्ट कर रहे हैं। यही नहीं, कई बार ये अपनी बहन को इनके नेक कामों के लिए अपनी पॉकेट मनी से भी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तरुणिमा बहुत ही शांत स्वभाव की है, ये किसी को भी तकलीफ में नहीं देख पाती, सिर्फ जानवरों के ही नहीं बल्कि तरुणिमा पक्षियों के दर्द को भी उतना ही समझती हैं। कहीं ना कहीं घर का हर सदस्य इनका इस काम में सहयोग कर रहा है। हेल्प की जरूरत है उसे, कई बार हुआ है 2-3 बार कोई बर्ड है या कोई जानवर है जिसकी हेल्प की जरूरत है, किसी का पंख कट गया है कुछ है, तो दीदी घर ले आती है उसको फॉस्टर कर देती है 2 हफ्ते के लिए, एंड देन शी टेक्स केयर ऑफ इट। तो हमेशा से छोटी छोटी बातों से दीदी बहुत अफेक्ट हो जाती है, एंड इवन विद बाकी लोग जो अंडर प्रिविलेज ने दीदी उनके लिए भी NGOs में, एंड हमेशा दीदी का ये रहा है कि लोगों को उनका हेल्प करने का उनका एटीट्यूड हमेशा सही है। शुरू से ही रहा है कि अगर आप कहीं गाड़ी से जा रहे हो और आप ड्राइव कर रहे हो तो वो आपको फोर्स करेंगे कि आप गाड़ी रोको, अगर उनको कहीं पर कोई पपीज दिख गए तो उनके साथ खेलना शुरू हो जाएंगी, कोई चिड़िया है जैसे उसका पंख नहीं है तो उसको घर ले आते हैं कई बार, एंड फिर वो उसके बाद ये होता है कि उसको फॉस्टर करती है 1-2 दिन जब तक वो ठीक नहीं हो जाता, एंड ऑल दो अच्छी बात है करना चाहिए, बट जैसे ही हर किसी घर में किसी भाई को आप यूज़ करते हो सामान ढोने के लिए, बोरे उठाने के लिए, कहीं पे स्टॉल लगाई है तो वहाँ पे खुली ट्रांसपोर्टर सब मैं बन जाता हूँ, तो जितना सपोर्ट मैं कर सकता हूँ फिजिकली वो सब मुझे निचोड़ के मेरे से पूरा करवाया जाता है। तरुणिमा के इस काम में बचपन से दोस्तों ने भी इनका साथ दिया, जब किसी के मन में नेक काम करने की चाह हो तो रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, इनके काम में आने वाली हर रुकावट किसी न किसी तरीके से खत्म होने लगी। तरुणिमा का हंसता खिलखिलाता चेहरा न सिर्फ जानवरों को हिम्मत देता है बल्कि इनके दोस्तों को भी प्रेरणा देता है। इन्होंने सिर्फ NGO के साथ ही नहीं बल्कि आंदोलनों में भी भाग लिया है जो जानवरों और गरीबों की मदद के लिए काम कर रहे हैं।
तरनिमा के साथ मैं SPCA के साथ शेल्टर में डायरेक्टली काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्कूल में हम लोगों ने बाघों को बचाने के लिए एक आंदोलन शुरू किया था, सेव द टाइगर कैंपेन। सो उसमें तरनिमा साथ थी। हम लोग लोगों को, हमने 3000 से ज़्यादा लोगों को डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी कि बाघ को बचाना क्यों है। तो हमने इस बात का प्रचार किया था कि टाइगर नहीं तो जंगल नहीं, बारिश नदियाँ और फसल नहीं तो क्या हम रहेंगे? नहीं रहेंगे। अगर आपको किसी चीज़ को बचाना है तो उसको खुद अपनी आँखों से देखना बहुत ज़रूरी है। समाज की मानसिकता का परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो समझें कि ये सारी चीज़ें संस्थाओं का फ़र्ज़ नहीं, हम सबका एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तभी समाज आगे बढ़ पाएगा। तरुणिमा की माँ के दोस्त, जिन्होंने बचपन से ही माँ की तरह तरुणिमा को समझाया और उसे हर मोड़ पर सहारा देने के लिए खड़ी रही, उनका भी यही मानना है कि तरुणिमा की तरह हर किसी को पहल करनी चाहिए ताकि बेजुबान जानवरों को एक नई जिंदगी मिल सके। बहुत ऑनेस्टली पैशनेट है, बहुत ऑनेस्टली एनिमल्स के साथ कनेक्टेड है। और हम सब, हाँ, मुझे भी खुद भी बहुत शौक था एनिमल्स का, लेकिन इतनी सी उम्र में जितना ये कर रही है उतना हम में से कोई नहीं कर पाया था। सो ये देख के हमें भी और ज़्यादा सपोर्ट करने की इच्छा होती है इसको। तरुणिमा ने घर के ही वेस्ट मटेरियल को उपयोग में ला के इन्हें उपयोगी बनाया और जगह जगह इनके स्टॉल्स लगाए ताकि इनके जरिए ये जानवरों की मदद कर सके। घर में भी वो अपने पालतू कुत्ते के साथ पूरा समय निकालती हैं। नोएडा में एक SPCA नाम का NGO है जो तरह तरह के जानवरों की मरहम पट्टी और लावारिस जानवर जिनका कोई नहीं होता उन्हें पनाह भी देता है। तरुणिमा इस NGO के साथ जुड़कर भी जानवरों की देखभाल कर रही है। तरुणिमा ने SPCA के शुरुआती दौर में 700 से 800 कुत्तों के साथ शुरुआत की। इस दौरान भी इन्हें काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बावजूद इसके वो पीछे नहीं हटी। अभी इन्होंने MET में शुरू किया है डोनेशंस लेना, काफ़ी जो बच्चे हैं वहाँ के MET में वॉलंटियर्स भी हैं इनके साथ, काफ़ी लोग जुड़ गए हैं जब इन्होंने बताया कि इस तरह से हम SPCA के लिए काम कर रहे हैं और डॉग्स को काफ़ी ज़रूरत है वहाँ पर फंड्स की, उनके खाने वगैरह का शॉर्टेज वहाँ चल रहा है। तो वहाँ पर स्टूडेंट्स ने काफ़ी कलेक्ट किया, किसी ने 10 रुपये दिए, किसी ने 500 रुपये भी दिए और कुछ लोगों ने काफ़ी अच्छा अमाउंट भी दिया है। और उसके बाद इन्होंने स्टॉल लगाई वहाँ पर, जितना भी अपना वेस्ट मटेरियल था उससे जो आइटम्स बनाए उनको सेल करके इन्होंने फंड जनरेट किया। SPCA तरुणिमा के कॉलेज के बहुत नज़दीक है। जब भी तरुणिमा को समय मिलता है वो जानवरों की देखभाल करने चली जाती हैं। जानवरों से इनका लगाव ऐसा लगता है मानो कोई अपने ही घर के सदस्य को प्यार बांट रहा हो। यूं तो तरुणिमा एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखती हैं, मगर वो अपनी खुद की मेहनत से इस काम को आगे बढ़ाना चाहती हैं। इसलिए तरुणिमा ने हाल ही में नोएडा के दीपोत्सव में कुछ दोस्तों के साथ मिलकर वेस्ट मटेरियल को रिसाइकिल कर बेचना शुरू किया और इससे मिलने वाले पैसे को SPCA में जानवरों की मदद के लिए लगाया। कुछ महीने पहले मैं तरुणिमा से मिला जहाँ वो खुद आगे आके जानवरों के प्रति अपनी सद्भावना को शो करते हुए उनके लिए कुछ काम करना चाहती थी, और सिर्फ कुत्तों के लिए नहीं बाकी सभी जानवरों के लिए वो काम करना चाहती थी। इसलिए हम लोगों ने मिलके यहाँ पे कुछ फंड रेज किए हैं और कुछ और भी एक्टिविटीज़ की हैं जो जानवरों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही। कचरे के आइटम से एक कुछ आइटम्स, क्राफ्ट आइटम्स बनाए जो कि उन्होंने, हमने एक दीप उत्सव फेस्टिवल में बेचे और उससे जो फंड्स इकट्ठा हुए वो हम यहाँ पे SPCA में जानवरों के लिए खाने और दवाइयों के लिए यूज़ करें। तरुणिमा के कॉलेज में उनकी जूनियर सहयोगी इनके काम से इतना प्रभावित हुई कि इन्होंने भी SPCA से जुड़कर जानवरों की मदद के लिए काम करना शुरू कर दिया और इसके साथ ही वेस्ट मटेरियल को रिसाइकिल करने लगी। नाम तो हमने पहले ही सुना था फर्स्ट ईयर में कि सेलिब्रिटी टाइप तरुणिमा बाजपे, तरुणिमा बाजपे है कोई। सेकंड ईयर में हमने फेसबुक के थ्रू कनेक्ट किया, तो 5 दिन पहले ही शुरू करा था। कम छोटी दोस्ती है हमारी पर काफ़ी अच्छी अब तक ये मैं कह सकती हूँ, और उम्मीदें आगे भी रहेगी। तो उस टाइम पे हमने काफ़ी काम किया हैंडमेड चीज़ों से, बहुत वेस्ट चीज़ों से काफ़ी हैंडमेड चीज़ें बनाई और 3 दिन काफ़ी मेहनत करी। पूरे दिन वहीं रहते थे हम। पहले तो कॉलेज से फंड्स कलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा था, मतलब डिसाइड तो कर लिया था कि स्टॉल लगाएंगे पर उनके लिए फंडिंग कलेक्ट करना बहुत टफ था। मतलब लोग पैसे तो दे रहे थे पर कम कम, बहुत कम। जैसे हम
जितना उनको बोलते थे वो उसका करीबन 5 या 10% ही देते थे। उन्हें लगता था कि ये वेस्ट जाएगा, इसका कोई यूज़ नहीं होगा। तो उस टाइम पे हमने बहुत पैनिक करना शुरू हो गए थे हम लोग, कि हम फ़ोन पे पूरे दिन मतलब काम की बात तो करती थे पर इन चीज़ों से बहुत घबराते थे कि अगर नहीं कर पाए तो क्या होगा। हम चाहते हैं कि हम इसे और बड़े स्केल पर ऑर्गेनाइज़ करें, जैसे अभी एक छोटे से फेस्ट में हमने किया था, पर हम चाहते हैं हम ये मॉल जहाँ भी एग्जीबिशंस हो वहाँ हम अपना स्टॉल लगाएं और जितना हो सके उतना इनकी मदद करें। शेल्टर के लोग भी तरुणिमा के इस जज्बे को सलाम करते हैं और उनके इस नेक सफर के लिए इन्हें आगे बढ़ने की दुआएं देते हैं। मैं इस एनजीओ में लगभग 3 साल से सेवा कर रहा हूँ। एक मैं पैरावेट्स के तौर पर यहाँ पे अच्छे से लगन से काम कर रहा हूँ और ये हमारी तरुणिमा जी हैं। मुझे गर्व होता है इन पर, इतनी कम एज में इतने अच्छे से गाय भैंसों की और डॉगियों की बहुत अच्छे से सेवा करती हैं आगे यहाँ पे। तरुणिमा आगे भी इस काम को बढ़ाकर लोगों को जागरूक करना चाहती हैं ताकि सभी लोग न सिर्फ वेस्ट मटेरियल का रिसाइकिल करें बल्कि इससे होने वाले फायदे को सामाजिक कार्यों में लगा सकें। मेरा मानना यही है कि सिर्फ कुत्ते नहीं हैं जिनसे हम प्यार कर सकते हैं, गाय भैंस ये सब बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार देने जानवरों से ज़्यादा प्यार शायद इंसान भी नहीं दे सकते।